नंबर वन, ठंड में लिंग क्यों सिकुड़ जाता है। नंबर टू, लड़कों को मोटी लड़कियां पसंद क्यों आती है। नंभर थ्री, लड़कियां अपनी नाभि क्यों दिखाती है। नंबर फोर, किन्नर संभोग कैसे करती है। नंबर फाइव, लिंग पर कॉलगेट लगाने से क्या होगा। नंबर सिक्स, लड़कियां एक से अधिक बॉयफ्रेंड क्यों बनाती है। नंबर सेवन, संभोग न करने के क्या नुकसान है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर वन, ठंड में लिंग क्यों सिकुड़ जाता है। सेक्स एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट एनाबेल नाइट कहती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में जब तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो ऐसे में पेनिस तक आने वाला ब्लड वेसल्स यानी रक्त धमनियां जमने लगती है, इसलिए ठंड के समय में लिंग सिकुड़ने लगती है। नंबर टू, लड़कों को मोटी लड़कियां क्यों पसंद आती है। वैसे तो हर लड़का चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के रूप में एक फिट और परफेक्ट फिगर वाली लड़की हो, लेकिन जब भारतीय लड़कों की बात आती है तो तब बात थोड़ी अलग होती है, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार भारत में ज़्यादातर लड़के पतली लड़कियों की तुलना में मोटी लड़कियों को पसंद करती है। इसलिए आज हम आपको भारतीय लड़कों को मोटी लड़कियाँ पसंद करने के कारण के बारे में बता रहे हैं। हाल ही में मेक्सिको के नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि भारतीय लड़कों को पतली लड़कियों की तुलना में मोटी लड़कियां ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वे पतली लड़कियों की तुलना में मोटी लड़कियों के साथ 10 गुना ज्यादा खुश है। मोटी लड़कियां भी लड़कों की पहली पसंद होती है, क्योंकि वे उन्हें खाने पीने से नहीं रोकती है, साथ ही बार बार व्यायाम करने को नहीं कहती है और जिम जाने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं बनाती है। हर किसी के अनुसार जो लड़के मोटी लड़कियां के साथ संबंध रखते हैं वह खुश और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसके कारण वे अधिक स्वस्थ और तरोताजा महसूस करते हैं। सर्वे के अनुसार मोटी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के सामने लड़के बेझिझक बात करते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा समय तक कुछ मांग नहीं करती है। सर्वेक्षण के अनुसार वसा और फैटी लड़कियां अक्सर स्वभाव से सुखद और जीवांत होती हैं, जिसके कारण लोग उदास रहते हैं और लंबे समय तक उनसे दूर नहीं रह पाते हैं। पतली लड़कियों की यह खासियत लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर थ्री, लड़कियाँ अपनी नाभि क्यों दिखाती है। लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए वह मेकअप भी करती है, उन्हें कपड़े भी ट्रेंड के अनुसार ही पसंद आते हैं। जिसका फैशन चल रहा होता है वह वही कपड़े पहनना पसंद करती है, जैसे क्रॉप टॉप, क्रैश जीन्स, ऐसे बहुत प्रकार के कपड़े हैं। आजकल गर्ल्स क्रॉप टॉप पहनना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उसमें उनकी नाभि दिखती है और वह जानबूझकर नाभि दिखाती है कि लड़कों का नज़र अपनी ओर आकर्षित कर सके, और बिना कुछ बोले इसलिए लड़की अपनी नाभि दिखाती है। नंबर फोर, किन्नर संभोग कैसे करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी हिजड़े एवं किन्नर योनि और लिंग का बहुत कम उपयोग करते हैं और उनके संभोग करने की तरीका साधारण तरीके से अलग होते हैं। तो शायद यह जानकर हैरानी होगी कि वे लोग गुदा मैथुन, मुख मैथुन और एक दूसरे को छूकर ही आनंद उठाते हैं। और भी कई सारे तरीके होते हैं जिससे वह आनंद उठाते हैं। नंबर फाइव, लिंग पर कॉलगेट लगाने से क्या होगा। अपने लिंग पर कॉलगेट का प्रयोग करोगे तो इन सभी समस्याओं से कुछ ही दिनों के अंदर निजात पा सकते हैं। नंबर वन, अगर आपका लिंग काला है और आपका पार्टनर मुंह में नहीं लेना चाहता है तो आप इस कॉलगेट को उस पर लगा ले और गर्म पानी से धो ले। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में लिंग का कालापन दूर हो जाएगा। नंबर टू, अगर आपका लिंग से दुर्गंध आता है तो आप इस कॉलगेट को उस पर लगा ले, 10 मिनट के लिए सूखने दे और गर्म पानी से धो ले। सप्ताह में 2 दिन करने से आपके लिंग के दुर्गंध भी खत्म हो जाएगा। नंबर सिक्स, लड़कियां एक से अधिक बॉयफ्रेंड क्यों बनाती है। आमतौर पर एक से अधिक गर्लफ्रेंड बनाने के मामले में लड़के सबसे आगे रहते हैं, लेकिन एक से अधिक बॉयफ्रेंड बनाने में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। लड़कों की दूसरी गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर लड़कियां क्यों बनाती हैं एक से अधिक बॉयफ्रेंड। चलिए बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस ही नहीं बल्कि उनमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि एक से अधिक बॉयफ्रेंड बनाना बेहद आसान होता है। वहीं कुछ लड़कियां का मानना है कि खुद की सेफ्टी के लिए एक से अधिक बॉयफ्रेंड बनाती है। उन्हें लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से एक पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो किसी लड़के के साथ रिलेशन में तो आ जाती है, लेकिन उस पर ट्रस्ट करना और उनके साथ
कंफर्टेबल महसूस करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वह ऐसा कदम उठाती है जिससे उन्हें एक सच्चा और विश्वास करने वाला पार्टनर मिल जाए। दरअसल इस बारे में हमने कई तरह के डिफरेंट लोगों से बात की। कुछ लोगों का कहना है कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को लेकर गंभीर तो रहती है, लेकिन अपनी ख्वाहिशों और अपनी उम्मीदों का भार उस पर थोपना नहीं चाहती है, इसलिए वह एक से अधिक बॉयफ्रेंड रखती है। वहीं कुछ ने कहा कि लड़कियों की डिमांड बहुत अधिक होती है, वह अपनी अलग अलग डिमांड को अलग अलग बॉयफ्रेंड से पूरा करवाती है। कई बार बॉयफ्रेंड का गलत व्यवहार भी गर्लफ्रेंड को दूसरा बॉयफ्रेंड बनाने पर मजबूर कर देता है। बता दें कि अधिकांश लोगों का एक ही कहना है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की सारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। अपनी आवश्यकता को पूरा कराने के उद्देश्य से ही लड़कियाँ एक से अधिक बॉयफ्रेंड बनाती है। संभोग न करने के क्या नुकसान है? यूं तो हर इंसान अपने जीवन में सेक्स जरूर करता है, लेकिन कई बार यह अंतराल लंबा हो जाता है और आप सेक्स नहीं कर पाते हैं, जिसके कई सारे नुकसान हैं। आइए जानते हैं सेक्स न करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान तकलीफ सेक्स न करने से, जहां महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ज्यादा दर्द महसूस होता है, वहीं सेक्स करने से पीरियड्स के दौरान कम दर्द होते हैं। घबराहट होना, लंबे समय से सेक्स ना करने से मन में घबराहट होने लगती है और बेवजह ही छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंता होने लगती है, जबकि सेक्स करने से ऐसा नहीं होता है। कामेक्षा में कमी, अगर आप लंबे समय तक सेक्स नहीं करते हैं तो आपकी कामेक्षा में कमी आ जाती है, साथ ही साथ सेक्स को लेकर आपकी काम वासना भी खत्म होने लगती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर आप लंबे समय तक सेक्स नहीं करते हैं तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है, जो सही नहीं है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है, तनाव और अनिद्रा लंबे समय तक सेक्स न करने के वजह से होती है। वही सेक्स करने से हार्मोन रिलीज होती है और बढ़िया नींद और तनाव से दूर रहते हैं। दोस्तों, इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।